यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए होड़ मची है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने विधायकों का टिकट काटने के लिए मैराथन मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भगोड़ों के आने के इंतजार में बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में करीब 45 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे जाने पर विचार किया जा रहा है। इन विधायकों में कुछ मंत्रियों का नाम भी शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उन्हीं मंत्रियों में शामिल थे जिनका परफॉर्मेंस बहुत खराब बताया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनके पर कतरने की योजना बना ली थी, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य को इनकी भनक लगी तो उन्होंने इज्जत बचाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ कुछ और विधायकों ने भाजपा की सूची जारी होने से पहले ही पार्टी छोड़ना सही समझा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भाजपा छोड़ने वाले विधायकों को इस बार टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। ब्रजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर, रोशन लाल वर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दिया और अभी ममितेश शाक्य, विनय शाक्य और धर्मेंद्र शाक्य और नीरज मौर्य का इस्तीफा भी आना बाकी है। इन लोगों को भी समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इन्हें भी इस बार भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इनका स्वागत किया जाएगा और उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश यादव चुनाव में भाजपा से आए इन नेताओं को उम्मीदवार बनाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद जब उम्मीदवारों की सूचियां तैयार की जा रही है तो वैसे समय में सत्ताधारी पार्टी को छोड़कर जाने वाले वही विधायक होते हैं जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद नहीं होती। वैसे ही स्थिति इन विधायकों की है जिन्हें भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया तो अखिलेश के पास जाकर चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अखिलेश यादव को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिससे वो इस बात का माहौल तैयार कर सकें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर है जिसके कारण उनके विधायक सपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन भगोड़ों को अपने साथ लेकर यूपी के सत्ता तक पहुंचने का अखिलेश यादव का सपना पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव इस बार उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसे भाजपा ने भाव नहीं दिया। पिछले चुनाव में भाजपा के सहयोग से पहली बार खाता खोलने वाले ओम प्रकाश राजभर की शर्तों को मानने से जब भाजपा ने मना कर दिया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों में से केवल एक सीट जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल ने भी सपा के साथ गठबंधन किया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब राष्ट्रीय लोकदल के पास जनाधार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल, सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, लेकिन इसका परिणाम सामने दिखाई पड़ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में जब बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है तो सपा के लिए उम्मीदें और भी कम हो गई हैं और इसलिए अखिलेश यादव भगोड़ों के सहारे यूपी के सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।